ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को हर एक दिन कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां बताते हैं, जिसको अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे बताए उपाय करते हैं तो आपके जीवन में इसका लाभ अवश्य ही मिलता है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे साथ जुड़े दर्शक गणों को कभी भी कोई कष्ट ना हो और वह हमेशा अपने परिवार के साथ खुश और संपन्न रहें, ऐसा हम भोलेनाथ और माँ पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी पर इनकी पूर्ण कृपा बनी रहे। माँ गर्जिया आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज हम आपको कर्क राशि के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और इस राशि में चंद्र का पूर्ण प्रभाव रहता है। अगर चंद्रमा आपकी राशि में शुभ है तो यह आपको हर कार्यों में सफलता प्रदान करता है और आपको हर तरह से सुखी रखता है। इसका शुभ प्रभाव आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है और आपको विदेश यात्रा का भी योग बनाता है। चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी रूप से निवास करता है और बहुत अधिक धन कमाता है। दोस्तों, ये तो चंद्रमा के शुभ फल के बारे में बताया है। अगर चंद्रमा आपकी राशि में अशुभ है तो इसका असर बहुत ही गलत होता है। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य ही करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों, पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा के अशुभ होने पर क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा अशुभ है तो ये किसी भी राशि में अशुभता प्रदान करता है तो ये अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न करता है और मानसिक रोगों को भी उत्पन्न करता है। इस तरह के हालात चाहे किसी भी राशि के जातक के हों तो उसे सबसे पहले अपनी कुल देवी की उपासना करनी चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये उपाय भी करते रहना चाहिए। नदी में एक चांदी का टुकड़ा डालें और मोती पहनें और चावल व चांदी हमेशा अपने पर्स में रखें। रात्रि में दूध पिएं और दूध का सुबह दान करें, लेकिन दूध बेचना नुकसानदायक साबित होता है। कुएं का जल लाकर अपने घर में किसी पात्र में अवश्य रखें। दोस्तों, अगर आप हमारे बताए अनुसार यह उपाय करते हैं तो चंद्रमा की अशुभता समाप्त हो जाती है और चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करने लगता है, जिससे कि आपकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और आपके जो कार्य अब तक होते होते रुक रहे थे वह कार्य पूर्ण होने लगते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। धन दौलत सुख तब प्राप्त होता है, घर में खुशहाली रहेगी। दोस्तों, आप बस अपने कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करें। मां गर्जिया आपके घर में धन दौलत के भंडार भर देंगी। आगे हम आपको और राशियों के बारे में बताएंगे। हमने आपको अभी सिंह और कर्क राशि के बारे में बताया है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के जो शुभ और अशुभ फल बताए हैं, अगर किसी और राशि के जातक को भी ऐसे इसी प्रकार के कष्ट हो तो वह भी सूर्य या चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं, उन्हें लाभ अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए।